अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। भोपाल से आ रही बड़ी खबर का रुख करते हैं। बागी नेताओं को लेकर बीजेपी सख्त हो गई है। बागियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की खुली चेतावनी, पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ नामांकन वापस ले बागी। नामांकन वापस नहीं लेने पर बीजेपी कार्रवाई करेगी। तो बीजेपी अब बागियों के खिलाफ सख्त नजर आ रही है और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने ये चेतावनी ऐसे बागियों को दे दी है जिन्हें टिकट ना मिलने की वजह से वो या तो निर्दलीय या फिर किसी और तरीके से सामने चुनावी मैदान में है। ये खुली चुनौती उनकी तरफ से दी गई है कि पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ नामांकन वापस ले बागी, नहीं लेने पर कार्रवाई बीजेपी करेगी। और इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र भोपाल से सीधा जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की खुली चुनौती ऐसे बागियों को जो निर्दलीय तौर पर टिकट नहीं मिला तो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के सामने ही खड़े हो रहे हैं, क्या लग रहा है इसका असर होगा? क्या बागी मानेंगे या फिर वो भी अपने तेवर इसी तरीके से दिखाते नजर आएंगे? क्या कुछ कहा भी गया है वीडी शर्मा की तरफ से? बिल्कुल, देखिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जिन्होंने काफ़ी सख्त लहजे में ये कहा है कि जो बीजेपी के प्रत्याशी, बीजेपी ने जिन्हें डिक्लेयर किया है, जिन्हें जो चुनावी मैदान में खड़े हुए हैं, अगर उनके खिलाफ पार्टी से ही कोई व्यक्ति जिसने अपना नामांकन दाखिल कर दिया था, उसे ये उम्मीद थी कि शायद उसका टिकट हो जाएगा लेकिन हो नहीं पाया है, तो ऐसे में वो अपना नामांकन वापस ले ले, और अगर नहीं लेता है तो यहाँ पर साफ तौर पर कह दिया है कि संविधान के अनुसार जो कार्रवाई होती है वो कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी सख्त नज़र आ रहे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा। जाहिर सी बात है कि अगर ऐसे में बागी उन्हें जिस स्थान से उन्होंने अपना फॉर्म जमा किया है और नामांकन जमा किया और नामांकन अगर वापस नहीं लिया है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की जो तैयारियाँ हैं वो बीजेपी ने पूरी तरीके से कर ली है। एक और संगठन स्तर पर कार्रवाई की जाएगी तो उसके बाद कहना कि बागियों के खिलाफ और भी ज़्यादा कार्रवाइयाँ वो की जा सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी इस समय नगर निगम चुनाव को लेकर काफ़ी सक्रिय नज़र आ रही है। ये सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है और ऐसे में अगर किसी भी प्रकार से कोई बीजेपी का नेता किसी भी नेता को अगर किसी प्रकार से सुविधा या फिर पहुंचाने की कोशिश करता है या फिर उसके खिलाफ प्रचार करता है या फिर उसे किसी प्रकार की मुसीबत में डालता है तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इस समय काफी सख्त है और काफी सख्ती के साथ उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। जहां एक और पार्टी से निकाल दिया जाएगा तो वहीं दूसरी ओर अन्य प्रकार से भी जो कार्रवाइयां हैं वो उसके खिलाफ की जा सकती है। तो ऐसे में यहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा काफी सख्त नजर आ रहे हैं। उनका सख्त लहजे में लोगों से ये कहना, उन लोगों से ये कहना जिन्होंने पार्टी जो कि पार्टी से जुड़े हुए हैं और उन्होंने अपना जो फॉर्म है वो जमा किया था, नामांकन दाखिल किया था, लेकिन अब चूंकि उनका टिकट नहीं हो पाया और ऐसे में बीजेपी ने जिन्हें अपना प्रत्याशी डिक्लेयर कर दिया है उनके खिलाफ कोई अगर बीजेपी से खड़ा हुआ है तो उन्हें वापस फॉर्म लेने के लिए साफ तौर पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है। अब ऐसे में ये देखना होगा कि आखिर ऐसे कितने बागी नेता हैं जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के इन सख्त लहजों के बाद अपना फॉर्म वापस लेते हैं। सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं क्योंकि सख्त लहजा देखने को मिला है और अब किस तरीके से ये अब इस पर रुख अपनाया जाता है ये देखने वाली बात होगी। जितेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। भोपाल से आ रही अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। कोरोना को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग अलर्ट है। निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है। संक्रमण के बचाव के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। सभी कलेक्टर्स और जिला निर्वाचन अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं। मतदान के दिन कोविड गाइडलाइन का ध्यान रखें। लक्षण होने पर कोरोना टेस्ट कराने के निर्देश। निर्वाचन के दौरान मतदाताओं के आने जाने के रास्ते अलग अलग रहेंगे। जितेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कोरोना संक्रमण एक बार फिर से जितेंद्र बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इन सब के बीच निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव, ऐसे में चुनाव आयोग की तरफ से क्या गाइडलाइन जारी की गई है? ताजा गाइडलाइन क्या कहती है? बिल्कुल, देखिए चुनाव आयोग ने एक बार फिर से जो अपनी गाइडलाइन है वो जारी की है, क्योंकि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में हमने देखा है कि जो कोविड का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, इस कोविड के कहर से बचने के लिए अब यहाँ पर जो गाइडलाइन है वो जारी की गई है। इस गाइडलाइन के मुताबिक कोविड के उन तमाम नियमों का पालन करना पड़ेगा जो नियम कोविड के दौरान बनाए गए थे। ऐसे में जो मतदाता है जब वो एक गेट से अंदर जाएगा तो वो उस गेट से वापस बाहर नहीं आएगा, उसके लिए दूसरा जो दरवाज़ा है वो खोल दिया जाएगा जिससे वो बाहर आ सके। कोविड के दौरान जो वहाँ पर तमाम जो स्टाफ बैठेगा, मतदान जो दल बैठेगा, उनके पास पूरी तरीके से सैनिटाइजर, ग्लव्स, मास्क, तमाम जो चीज़ें हैं वो उपलब्ध रहेंगे। इसके अलावा जो कोविड के गाइडलाइन जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों के मुताबिक ही जो मतदाता है वो अपना मतदान कर पाएगा। तो देखिए जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में होगा फिर से कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, हमने भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर में भी देखा कि जिस प्रकार से तेजी से मामले सामने निकल कर आ रहे हैं, वाकई में इसके बाद कहना कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दल इस बात को लेकर जरूर
खतरे में है कि अगर ये केसेस इसी तरह से बढ़ते हैं तो उनके जो मतदान के दिन की तिथि है, उनके जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं, उनका क्या होगा। लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी पूरी तैयारियां की हैं और राज्य निर्वाचन आयोग ने कोविड गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए चुनाव कराने का फैसला लिया है। ठीक, शुक्रिया आपका जितेंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए दोनों ही खबरों पर।